हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मकर संक्रांत स्पेशल तिल गुल वड़ी। ये तिल की वड़ी हम विदाउट सिरप बनाएंगे और उसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे वड़ी सॉफ्ट भी बन जाती है और आसानी से सेट भी हो जाती है। ये वड़ी बनाने के लिए मैंने रेगुलर गुड़ यूज़ किया है, चिक्की के गुड़ बिना भी ये आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। आप ये रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट्स ग्राम और कप में भी दिए हैं। तो सबसे पहले लो फ्लेम पर एक पैन गरम करना है। उसमें डालेंगे 100 ग्राम सफेद तिल। इसे 2-3 मिनट तक लाइट गोल्डन कलर आने तक ही रोस्ट करना है। सफेद तिल तेज गैस पर जल्दी जल जाते हैं, इसलिए ध्यान रहे कि धीमी गैस पर ही इसे रोस्ट करना है और कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है। थोड़ी देर के बाद इसका कलर इस तरह से स्लाइटली चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि तिल के दाने भी फूल गए हैं और लाइट गोल्डन कलर भी आया है। अब गैस को बंद करके तिल को 1-2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे और बाद में उसको पीस लेंगे। इस तरह से तिल को दरदरा पीस लेना है। ज्यादा फाइन पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस तिल के साथ 2 बड़े चम्मच सूखा नारियल और 25 ग्राम भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डालकर मिक्स करके रख देंगे। अब एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। गैस को लो फ्लेम पर ही रखें। घी पिघलने के बाद डालेंगे 125 ग्राम गुड़। मैंने यहाँ पे रेगुलर गुड़ लिया है। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है ताकि ये गुड़ कम से कम टाइम में मेल्ट हो जाएगा। गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने तक मिक्स करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि सिरप नहीं बनाना है, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। गैस की फ्लेम धीमी रखें। बड़े बड़े पीसेस को मेल्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए उन्हें स्पैचुला से मैश करते रहे। 3-4 मिनट के बाद गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दूध। अच्छे से मिक्स करें। दूध से तिल की वड़ी सॉफ्ट बन जाती है और सेट होने में भी मदद होती है। फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर के अलावा जायफल पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सफेद तिल, मूंगफली और सूखा नारियल का मिक्सचर डालकर फटाफट मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इस गरम मिक्सचर को तुरंत बटर पेपर पर ट्रांसफर करेंगे। मैंने इस पेपर को घी लगाकर रखा था। अगर आप प्लेट यूज कर रहे हो तो उसे भी पहले घी लगाकर रखें, ताकि ये गर्मा गर्म मिक्सचर तुरंत उसके ऊपर ट्रांसफर कर सके। एक जैसा स्प्रेड करें। स्प्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्टील का बाउल लिया है। इससे जल्दी से अच्छे से स्प्रेड होने में मदद होती है। स्पैचुला से भी ये स्प्रेड कर सकते हैं। जितना चाहिए उतना थिक लेयर बनाए। मैंने 1/2 इंच का थिक लेयर बनाया है। इसके ऊपर सूखा नारियल डालकर गार्निश करेंगे। हर तरफ से एक बार हल्का सा प्रेस करेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए, यानी कि 5 मिनट से भी कम टाइम के लिए सेट होने के लिए रख दें। ध्यान रहे पूरी तरह से ठंडा ना करें, उसके पहले ही इसको पीसेस में कट करें। इन कटी हुए पीसेस को ठंडा होने के बाद अलग करेंगे। ठंडा होने के बाद इस तरह से आसानी से अलग हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि तिल गुल वड़ी अच्छी तरह से सेट हो गई है और सॉफ्ट भी बन गई है। इस तरह से आसानी से बिना कोई सिरप बनाए आप ये सॉफ्ट तिल गुल वड़ी फटाफट बना सकते हैं, बिना चिक्की के गुड़ के बना सकते हैं। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।